हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्ना सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय ड्रीम लैंड। सो फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है, मैंने चाय ले ली, मेरे हस्बैंड ने भी चाय पी ली और वो वॉक पे गए। मैंने बच्चों को दूध दे दिया और मैं भी अब जा रही हूँ वॉक के लिए। मैं बाहर निकली तो मुझे अपने आंगन का सीन दिखा, बहुत ही अच्छा, और आप देख सकते हैं कोहरा है, बहुत ठंडा है अभी, और यहाँ पे रात की ओस की बूंदें जो है गिरी हुई हैं, फर्श भी आपको गीला दिख रहा होगा। तो अभी मैं वॉक पे जाती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैंने शूज़ पहन लिया है, अब मैं वॉक के लिए निकलती हूँ। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा है, कैमरे की लाइट की वजह से क्लियर है, वरना ऐसे तो बहुत ज़्यादा फॉग है। कल बहुत अच्छी धूप निकली थी लेकिन आज का मौसम बहुत ख़राब है, ऐसा लगता है हम किसी हिल स्टेशन पर हैं। चारों तरफ कितना अच्छा मौसम है, देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है। कल जो अच्छी धूप निकली हुई थी, आज इतना कोहरा है, थोड़ी दूर तक ही क्लियर दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, सड़कें भीगी हुई हैं उसकी बूंदों से और फॉग, देखने में कितना मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, मैंने बाहर की वॉक पूरी कर ली, मैं घर पे आ गई हूँ और अपने घर के भी दो एक चक्कर लगाऊंगी, फिर अंदर जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं वॉक पे निकल रही हूँ। कल की तरह मौसम ख़राब नहीं है, आप देख सकते हैं धूप है। कल 9:30 बजे से धूप हो गई, अच्छी धूप थी, सुबह का मौसम ख़राब था और शाम तो ठंडी होती है, लेकिन आज धूप हो चुकी है सुबह ही, तो मैं चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह की वॉक बहुत ज़रूरी है, मौसम ख़राब होने से हमारे वॉक के रूटीन पे असर ज़रूर पड़ता है, बट अगर इसे रेगुलर किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, दिन भर ताज़गी महसूस होती है। फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद मैंने मोबाइल में एक न्यूज़ देखा एक छोटे से बच्चे की, और इंस्टाग्राम पे भी उसकी स्टोरी थी कि एक बच्ची ने उसके पापा मम्मी में लड़ाई हुई और पापा जाकर लेट गए, तो उनके पास आके बोली कि क्या हुआ मेरा बच्चा को, क्या हुआ, बहुत प्यार से उसने बोला। और मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही थी कि मेरे बच्चे भी या हमारे घर में जितने भी बच्चों को मैंने देखा है उस एज में, साल डेढ़ साल वाली एज में, जब वो बोलना शुरू करते हैं और ऐसे बोलते हैं क्या हुआ को क्या हुआ, और हम बड़ों की कॉपी करते हैं और उसी तरीके से वो प्यार जताते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, मुझे अपने बच्चों की बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और इसके अलावा मेरी जो सिबलिंग्स हैं उनके बच्चों की भी जिन्हें हमने खिलाया है, तो वो मासूमियत देख कर बहुत अच्छा लगता है, हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। तो मैं बात करूंगी इसके बाद की स्टोरी के बारे में कि जब बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स में उलझे होते हैं, खासकर मदर अगर वो जॉब नहीं करती, घर संभालती है तो सब कुछ उसके ज़िम्मे होता है, वो अपनी अपने कामों में मदद के लिए हेल्पर भी रखती है, बट मैक्सिमम काम उसे खुद करने होते हैं, और बच्चों के साथ खेलना, उनसे बातें करना, उनके काम करना एंजॉय करती हैं वो लोग। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने छोटे छोटे काम खुद से करने लगते हैं, तो मदर के पास थोड़ा टाइम होता है, बट मदर की वो आदत होती है ना कि दिन भर बच्चों को खाने पीने की उनकी व्यवस्था करना, खिलाना, उनके कपड़े, उनके सामान, उनकी हर चीज़ की परवाह करना, स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद की सारी एक्टिविटी में पार्ट लेना। बट जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, समझदार होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा अलग, माँ से चिपके नहीं रहते, और मदर को ये जो फेज़ होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है मदर के लिए, क्योंकि वो माँ का दिल जो है वो बच्चे को कभी बड़ा होते नहीं देख सकता। मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मेरा बेटा मेरे बराबर हो गया और बेटी भी बड़ी हो गई, जब मैं उसे गोद में लेके बहुत ज़्यादा नहीं खिला सकती थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मैं छोटे से बच्चों को जैसे मैं प्यार करती थी, खिलाती थी, वैसे नहीं कर पाऊँगी। तो ये बहुत नेचुरल है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा छोटा सा रहे, हमारे
पास रहे, हरदम मम मम करता रहे, बट उससे बड़ा तो होना है क्योंकि समय बीत रहा है। तो ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँ अपने विचार कि मदर को इस चीज़ को समझना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम माँ इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे स्पेस देना है। और हम जो हमने इतने सालों से अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर रखी थी कि हमारा अपने बारे में सोचना, अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि घर के काम और बच्चों के काम इतने ज़्यादा होते हैं, क्या फिर अलग से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो? तो ये वो टाइम होता है कि अब आप अपने बारे में सोचिए, अपने लिए टाइम निकालिए, सारे काम के बाद, बच्चों की केयर करने के बाद, हस्बैंड की, फैमिली, सब कुछ के बाद जो आपके पास टाइम बचता है, जब आप लगता है आपको खालीपन लगता है, तो वो बीच का टाइम डायरी लिखिए, कोई भी अपने शौक पूरा करिए, पढ़िए, जो भी आप जो करना चाहते थे, जो चीज़ें आपसे टाइम ने छीन लिया था, छूटी जा रही थी जो चीज़ें, उन्हें आप पूरा करिए, उनमें टाइम लगाइए। तो मैं वॉक कर रही थी और ये मेरे मन में विचार आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं घर पहुँच के फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। टाइम नहीं मिला, सारे काम हो गया, अभी लंच भी कर लिया सबने और बस रेस्ट मूड में है और धूप अभी है, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूमूं और साथ ही मैं ये अपने जो विचार हैं वो आपके साथ शेयर करूं कि बीइंग अ मदर मैं इस चीज़ को फील करती हूं कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे अपने हर काम में इंडिपेंडेंटली, अपने हर काम को बड़े आराम से और इंडिपेंडेंटली करते हैं और मेरी हर जगह उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी एज अ मदर मुझे लगता है कि मुझे जितनी हेल्प हो सकती है ना उनकी करती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, और वो करते भी हैं। लेकिन जो हमारे पास जो टाइम बचता है, तो हमेशा बच्चों के आगे पीछे घूमना, उन्हें नसीहत देते रहना, ये सही नहीं है। फिर बच्चे चिढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि मम्मी तो हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं, डांटती रहती हैं। तो अच्छा है जब आपने देख लिया कि बच्चे आपके हर काम अच्छे से कर रहे हैं, आपने जो बचपन से सिखाया वो सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं और आराम से अपना पढ़ाई लिखाई, अपनी चीज़ों को वो संभाल रहे हैं, तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने शौक पूरे करिए और फिर वो चिक्कू मम्मी मत बनिए जिससे कि बच्चे चढ़ते हैं। तो आज मेरा यही विचार है। फ्रेंड्स, इवनिंग में मैं बच्चों के साथ मार्केट गई, साथ में हस्बैंड भी थे और हम चारों को कुछ ड्रेसेस लेनी थी, स्पेशली बच्चों की, उनके लिए कुछ विंटर की ड्रेस लेनी थी क्योंकि हमारे यहाँ शादी पड़ी है फेब में। तो बेटे को ब्लेज़र लेना था और बेटी ने स्वेटर लिया दो, तो हम उसी की शॉपिंग कर रहे हैं। मेरी शॉपिंग हो चुकी है और मेरे हस्बैंड की हो गई, हमने सब ले लिया ड्रेस और अब हम वापस लौट रहे हैं। और वापस लौटने में जो सड़कों पे लोग दिख रहे हैं उनको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये टास्क। और आप देख सकते हैं रोड पे कितनी भीड़ है, कितने ऑटो वगैरह रुके हुए हैं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक है और मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।